मैं हूं आलम रिजवी और आप देख रहे हैं अवधनामा न्यूज। अवधनामा न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। नेटफ्लिक्स, अमेज़न से लेकर फेसबुक, ट्विटर के लिए गाइडलाइंस जारी। शिकायत पर 24 घंटे में हटाना होगा कंटेंट। ओटीटी पर सेंसर। PSLV C-51 की लॉन्च रिहर्सल पूरी। 28 फरवरी को सुबह होगा लॉन्च, इसरो ने दी जानकारी। पूरे देश में 26 फरवरी को भारत बंद। 8 करोड़ व्यापारियों की हड़ताल। बाजार रहेंगे बंद। ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम। भारत ने घाना को भेजी वैक्सीन की 6 लाख डोज। कोवैक्स के जरिए वैक्सीन पाने वाला घाना बना पहला देश। फिर देश में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। एक महीने बाद फिर आए 15,000 से अधिक नए मामले। पुडुचेरी में राहुल के मत्स्य पालन मंत्रालय वाले बयान पर बोले पीएम मोदी, कांग्रेस झूठ बोलने में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल विजेता। सपा के हंगामे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, ज्यादा गर्मी न दिखाएं, सबका पेट दर्द कर दूंगा दूर। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बढ़ाया भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान। 1 लाख के इनामी लखा सिंह का दिल्ली पुलिस को खुला चैलेंज, आ रहा हूँ दिल्ली। कृषि मंत्रालय ने इस बार रिकॉर्ड स्तर पर लगाया खाद्यान्न पैदावार का आकलन, पहले से कहीं ज्यादा भरेंगे भंडार। देश से पूरी तरह से फांसी की सजा खत्म करने पर काम कर रहे हैं एपी सिंह, नहीं चाहते शबनम को हो फांसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी नौकरी में कम नंबर पाने वाले की नियुक्ति संविधान का उल्लंघन। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई हॉटलाइन वार्ता, सीमा पर संघर्ष विराम समझौतों का करेंगे पालन। जो बाइडन ने ट्रंप के कार्यकाल में ग्रीन कार्ड पर लगी रोक हटाई, भारतीयों को होगा फायदा। म्यांमार में सेना के समर्थन में रैली, तख्ता पलट का विरोध करने वालों पर हमला। सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की रेंज देगा सुजुकी बर्गमैन इलेक्ट्रिक स्कूटर, जल्द हो सकता है भारत में लॉन्च। पृथ्वी शॉ ने वनडे मैच में ठोका तूफानी दोहरा शतक, विजय हजारे ट्रॉफी में रच दिया इतिहास। लंबी सर्जरी के बाद होश में आए टाइगर वुड्स, अब हालत है बेहतर। दृश्यम 2 का हिंदी रीमेक बनाने की तैयारी शुरू, इस बार भी लीड रोल में होंगे अजय देवगन और तब्बू। कटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर शेयर की ग्लैमरस तस्वीर, जमकर हो रही है वायरल। अमीषा पटेल पर लगा करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप, कोर्ट ने 2 हफ्ते में मांगा जवाब। अवधनामा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना।